Hi friends, this is Kawaljit Kaur, aapki co-learner on this journey of learning English and honing communication skills. और आज हमारा second day of newspaper reading challenge. ये उन सब लोगों के लिए है जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें अपनी एजुकेशन या तो रीजनल लैंग्वेज में ली है, या अगर इंग्लिश मीडियम में कुछ पढ़ा भी है तो वो इंग्लिश मीडियम कन्फाइंड रहा है टू देयर सब्जेक्ट ओनली. बट अगर इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्स ऑन डेली बेसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये नॉर्मली क्या होती हैं, दीज आर द इशूज़ जो हमारे आसपास सोशल इशूज़ होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन्स होती हैं. तो हम किस तरह की बात करना चाहते हैं, उस तरह की वोकेबलरी हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी फ़िलहाल कमी है. तो इसलिए मैंने जो आपको आपके साथ आइडिया शेयर किया था, क्योंकि जो लोग मेरे जैसे हैं जिनको रीडिंग कोई बहुत अच्छी नहीं लगती है, या वो इसको इस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो एटलीस्ट हम न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें. एंड दैट आल्सो जस्ट द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, बिकॉज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी न्यूज़पेपर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्टेंट विच इज़ देयर ऑन द अवेलेबल ऑन द अदर पेजेस, जो इनसाइड पेजेस होते हैं. इसका न्यूज़पेपर है तो मैं जो न्यूज़ फर्स्ट पढ़ने वाली हूँ, डेंस फॉग हिट्स रेल ट्रैफिक. तो रेल जो है, नॉट ओनली रेल ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक ऑल्सो, सारा ही उड़ानें भी कितनी रद्द हो गई हैं, या आप न्यूज़ सुनते होंगे, आपने पढ़ा होगा. तो ये है डेंस फॉग की वजह से जो रेल ट्रैफिक है वो हिट हुआ है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है. पैसेंजर्स बियर ब्रंट ऑफ इनक्लीमेंट वेदर एट रेलवे स्टेशन. पैसेंजर यू अंडरस्टैंड बियर ब्रंट ऑफ, ब्रंट होता है किसी भी चीज़ की जो कंसिक्वेंसेस हो, वो जो नेगेटिव हो, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट जो नेगेटिव हो, कोई चीज़ कोई इवेंट हो गई है और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रंट ऑफ. इनक्लीमेंट वेदर, इनक्लीमेंट वेदर है मर्सीलेस, कि इतना ठुर ठुर करने वाली ठंड है तो जो लोग हैं पैसेंजर्स हैं उनको उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भुगतना पड़ रहा है. कैसे पड़ रहा है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और ट्रेनें रद्द होती जा रही हैं. अनदर न्यूज़, थ्री ऑफ फैमिली हेल्ड फॉर मर्डर बिट. थ्री ऑफ फैमिली, तीन जने फैमिली के हेल्ड, अब है तो हेल्ड वर्ड हमने कल भी किया था, सो पकड़े गए हैं फॉर मर्डर बिट. बिट भी हम पहले कर चुके हैं, बिट होती है अटेम्प्ट. मर्डर बिट मीन किसी ने जो कत्ल की जो कोशिश की है, उसमें तीन लोग एक ही फैमिली के उनको धर लिया गया है, पकड़ लिया गया है. अनदर न्यूज़, वन मोर हेल्ड इन मर्डर केस. सो एक और सिमिलर काइंड ऑफ केस, हेल्ड, पकड़ लेना. थ्री हर्ट एज बस फॉल्स इनटू कनाल. बस जो है कनाल में गिर गई है. थ्री हर्ट, हर्ट तीनों को चोटें आई हैं. Another news, road accident victims comes to injuries. Road accident victim, victim है जो उसमें जिसको नुकसान हुआ है, victim होता है जिसको नुकसान हुआ, जो affect हुआ है road accident में. Scums, scums होता है give up कर देना, to die, मतलब कि उसको नहीं झेल पाया. कम्स टू इंजरीज, इंजरीज को नहीं झेल पाया और उसकी डेथ हो गई है, ये है इसका मतलब यहाँ पे. सो विक्टम कम्स, कम्स मीन गिव अप, गिव अप टू इंजरीज मीन द पर्सन हैज डाइड. चिल नो डिटरेंट, चिल नो डिटरेंट, डिटरेंट मीन रोकने, डिटरेंट होता है रोकना. चिल नो डिटरेंट, जो इतनी ठंड है कड़ाके की वो रोक नहीं पाई है, ये कैप्शन दिया गया है. नीचे क्या है, एनसीसी कैडेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अमिड नेल बाइटिंग कोल्ड, नेल बाइटिंग ठुर ठुर करने वाली ठंड के अमिड, अमिड वर्ड भी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ. अमिड है चलते हुए, किसी चीज़ के बीच में ठंड चल रही है, उसके बीच में कोई गाइडलाइंस इशू हो गई हैं, या जैसे अमिड नेल बाइटिंग कोल्ड, इतनी ठुर ठुर करने वाली ठंड के बीच में एनसीसी कैडेट्स रिहर्स फॉर द रिपब्लिक डे फंक्शन. तो जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो रिहर्स, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं रिपब्लिक डे फंक्शन की, अपनी वो परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो चिल नो डिटरेंट, जो ठंड भी है उनको रोक नहीं पाई है, डिटरेंट. सिविक बॉडी एक्ट्स टफ ऑन इलीगल शॉप्स. सिविक बॉडी, सिविक क्या होती है, ये जो सिटी को टेक केयर करती हैं, जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, वो टफ हो गई हैं ऑन इलीगल शॉप्स एंड बिल्डिंग्स. उनको वो डिमोलिश कर रहे हैं, जो शॉप या बिल्डिंग जो है गलत तरीके से बनी हैं.
इंटॉक्सिकेटिंग पिल्स सीज. कल भी हमने बात की थी इंटॉक्सिकेटिंग, इंटॉक्सिकेंट क्या होते हैं, ये जो ड्रग्स वगैरह होती हैं जो बैंड होती हैं, जिनको मना किया गया होता है, जो इलीगल होती हैं, तो इंटॉक्सिकेटिंग पिल्स सीज्ड पकड़ ली गई हैं. देन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स अंडरटेक फील्ड विजिट्स. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स मीन जो उनके लोग हैं, अहदेदार हैं उनके, अंडरटेक वो कर रहे हैं. कोई काम कर रहा होता है ना, जब कोई चीज़ हम शुरू, कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया होता है, कर रहे हैं, या कहीं कोई चीज़ इन द प्रोसेस होती है, उसके दौरान अंडरटेक फील्ड विजिट्स क्या कर रहे हैं, वो खेतों में जा रहे हैं फील्ड विजिट्स. क्यों? एज स्टबल बर्निंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड पैडी. पैडी को पंजाब में और नेबरिंग स्टेट्स में भी जलाया जाता है. इट इज़ अ वेरी सीरियस अफेयर ऑल्सो. तो कहते हैं कि जो स्टबल बर्निंग है वो अब पैडी से भी ज़्यादा हो गई है इस वक्त, जो स्टबल जलाई जा रही है. तो उसको लेके अवेयरनेस ड्राइव ऑन, लोगों को जागृत करने के लिए अवेयरनेस ड्राइव जो है वो चल रही है, इट्स ऑन. विद इंक्रीज इन केसेस ऑफ वीट रेजिड्यू बर्निंग. मतलब कि अदरवाइज नॉर्मली जो चावल उगाए जाते हैं पैडी है उसको लेके काफ़ी सीरियस इशू होता है, लोग वो स्टबल बर्निंग करते हैं, पर वो कह रहे हैं कि जो वीट के रेजिड्यू हैं वो उससे भी एक्सटेंड जो है हो रही है, लोग कर रहे हैं. तो ये है आज की हमारी न्यूज़ हेडलाइन जो मैं नॉर्मली मैगजीन सेक्शन से पढ़ती हूँ. आप इसकी जगह पे कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो आपके इंटरेस्ट की है उसको भी लेके उस न्यूज़ को थॉरली भी पढ़ सकते हैं. कल एक हमने छोटी सी न्यूज़ थोड़ी सी थॉरली पढ़ी थी, तो उसमें जब हम डेली ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो वर्ड्स रिपीट होते हैं. मैंने कल भी कहा था कि जब डेली करोगे तो आपको डिक्शनरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्लोली और स्लोली आपको उसकी इसेंस, उसकी का मीनिंग क्या है वो समझ आना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह से हमें वो, हम अपने आप को फिर फेमिलियर करते जाएंगे ऑन डेली बेसिस इन वर्ड्स के साथ. तो जब हम कन्वर्स करेंगे ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही वो वर्ड्स हमारी कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाएंगे.